ग्रामन्यवाद की मातृभूमि तो बार बार नमस्ते। यहाँ के श्रोता भैयन को मेरी बारंबार नमस्ते। जब हम आए अपने घर से आए थे हंसते हंसते, प्यार मिला है सब भैयन को जाएंगे रोते रोते। प्यारे बंधु आज अंतिम दिन है इस कथा के माध्यम से, इसलिए कहना है आज अंतिम दिन है कथा का, आज अंतिम दिन है कथा का, मेरे प्राण घुट रहे के हम अंदर रो रहे हैं अंतिम दिन है कथा का। ये भैया आज पांचवा दिन है हम लोगों को एक एक बूंद डाल करके ये बगीचा तैयार किया जो आज लहला रहा है। जी नहीं कहता है इस बगीचा को छोड़ के जाएं, लेकिन मालिक बदकिस्मत है। ये जो हमने बाग लगाया अरे इसमें फूल खिलेंगे, हर मालिक की एक आस होती है ये फूल आएंगे तो हमें फूल मिलेंगे, लेकिन ये मालिक कितना बदकिस्मत है आज इस बाग को छोड़ के जा रहा है। ये हमने जो बाग लगाया सोचा था कि इसमें फूल खिलेंगे, मेरे आज के बिछुड़े प्रेमी न जाने कहाँ मिलेंगे, बस यही सोच कर अपने हम दिल में रो रहे हैं अंतिम दिन है कथा। बस अंतिम बात कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनाओं मेरे नौजवान दोस्तों, सत्संग से अगर कुछ लेना तो एक बात जरूर याद रखना, अरे बहनाओं सेवा सास ससुर की करियो, यही भागवत है। सेवा सास ससुर की करियो, और नौजवानों अपने बड़ों को नमस्ते करियो। इतना कह कर कलम अरे इतना कह कर कलम हर दोई जा रहे हैं। से आए
चिमटा वाले जो खूबई कमर चलाए, और हमारे डॉक्टर साहब राममूर्ति शास्त्री भक्तो भिठोलिया से, और जय प्रकाश जी सबसे, ये जय प्रकाश जी सबको राम राम कर रहे हैं। अंतिम दिन है कथा का, प्रेम से लो गोविंद भगवान की। डाली हरी भरी रही तो फूल फिर खिलेंगे, अगर जिंदगी कायम रही तो दोबारा फिर मिलेंगे, अगर ओमिक्रोन जैसे वायरस का कोई भारी अटैक नहीं हुआ तो। नहीं तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि न जाने कितनों को कोरोना लेके चला गया 2020 और 21 में, 22 में ओमिक्रोन वायरस की तैयारी है। अब इससे बचेंगे तो फिर आएंगे, नहीं तो चले जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। एक बार हाथ उठा करके नमस्ते कर लो सभी माताएं बहनाएं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की।